स्टूडेंट्स ना वी आर गोइंग टू स्टडी सम मिथ्स रिलेटेड टू द कॉन्टेंट अनालस क्योंकि जब हम कॉन्टेंट अनिस करते हैं तो लोग उसके बारे में मुख्तलिफ बिलीवस uh, रखते हैं तो आइए देखते हैं कि वो बिलीवस क्या हैं और उनको कैसे हमने डी कंस्ट्रक्ट करना है तो जो फर्स्ट मिथ्स है कॉन्टेंट अनालस के बारे में वो ये है कि कॉन्टेंट अनालस लिमिटेड टू सिंपल एनालिसिस जो कंटेंट एनालिसिस होता है उसमें तो सिंपली हम मैसेजेस में वर्ड्स को काउंट कर लेते हैं और उसकी कोई फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं दिस इज नॉट ट्रू ये प्योरली डिपेंड करता है नेचर एंड स्कोप ऑफ द स्टडी के ऊपर कि आपका स्टडी का नेचर क्या है और वो कितनी बड़ी है या छोटी है uh, और ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है जितना सर्वे रिसर्च है और यहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि टू थाउजेंड एट में एट एटअल ने एक स्टडी कंडक्ट की और ये इसके साथ थर्टी फाइव को ऑथर्स थे और इन्होंने इंस्पेक्ट किया फोक टेल्स फॉर ऑम अराउंड द वर्ल्ड टू एनालाइज द यूज़ ऑफ एट्रैक्टिवनेस डिस्क्रिप्टर्स फॉर फीमेल वर्सेस मेल तो इसमें जो क्राइटेरिया था मैरनेस का वो ये था कि व्हाट इज़ अट्रैक्टिवनेस एंड अनअट्रैक्टिवनेस और इसमें जो है फिफ्टी एट प्री चोजन एडजेक्टिव्स थे और वेरियंट्स थे फॉर एट्रैक्टिवनेस और अन एट्रैक्टिवनेस के और इसमें दूसरा जो है जेंडर करैक्टर को देखा गया कि जो है उसमें मेल और फीमेल के साथ कौन से अटैच है तो इसका जो जो जिस डेटो को इन्होंने एनालाइज किया उसके नाइनटीन वॉल्यूम्स थे ट्रेडिशनल फोक टेल्स के जो इन्होंने कलेक्ट किए फ्रॉम द थर्टीन रीजनस ऑफ द वर्ल्ड और इन टोटल इन्होंने एट पॉइंट वन सेवन मिलियन वर्ड्स को एनालाइज uh, किया जो कि सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी वन सिंगल स्पेस्ड पेजेस पर थे uh, दूसरी मिथ की अगर हम बात करें तो कंटेंट एनालिसिस के बारे में समझा जाता है कैनी वन कैन डू कंटेंट एनालिसिस इट टेक एनी स्पेशल प्रिपरेशन ये कोई प्योरली uh, कोई रिसर्च डिज़ाइन नहीं है आप किसी को भी कहेंगे तो वो कर देंगे तो इस तरह नहीं है कंटेंट एनालिसिस के लिए भी आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होता है जैसे सर्वे रिसर्च में चाहिए जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में चाहिए या जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको डिफरेंट डिजाइन के लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स चाहिए तो इसमें भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो सेट ऑफ स्किल्स को अक्वायर करने के लिए द थर्ड मिथ इज दैट कॉन्टेंट अनाल अप्लाइज टू ऑल एग्जामिनेशन ऑफ मैसेज तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आप एनालिसिस uh, करें मैसेज का तो वो कॉन्टेंट अनाल होगा जैसे कि नेरेटिव एनालिसिस है या थमेटिक अनैलिसिस हैं तो वो कॉन्टेंट uh, अनालस नहीं है कॉन्टेंट अनफिनेशन उनसे डिफरेंट है द फोर्थ मिथ इज दैट कॉन्टेंट अनिस इज यूज ओनली फॉर एक्डेमिक परपज Uh, this is not true as well. Uh, certainly, the majority of content analysis have been conducted uh, by academics for uh, scholarly purpose. However, there has been growing interest among commercial researchers and communication practitioners in particular applications of a content analysis. So uh, now people also use uh, content analysis as a research design in market research and in and developing the policy uh, for the social media as well.